ब्लड श्रेयासा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 15 साल से लेके 30 साल तक खवातीन के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही है। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका थायराइड अल्लाह पाक के फजलो करम से जड़ से खत्म हो जाएगा। थायरेक्शन लेते हुए आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। अगर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप अपना TSH T3 T4 आप अपना एक टेस्ट करवाए, उसमें पता चलता है कि कहीं खुदा ना ख्वासा आपको थायराइड का मसला तो नहीं आ गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं हर्बलिस्ट अली आजम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरियार साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक सर, दुआएं आपकी। सर हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी थायराइड के हवाले से। जी 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 सर। वो कंप्लीट वीडियो हमारी नहीं हो सकी थी। आजकल बच्चे बच्चियां इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, तो इसका बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें सर। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड श्रेयासा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खवातीन बहुत ज्यादा इसमें मुब्तला हो रही हैं। 15 साल से लेके 30 साल तक खवातीन के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही है और आगे जाके श्रेयासा मोटापा, एसिडिटी, फेस पे बाल निकल आते हैं और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी बढ़ती जा रही हैं। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर आप थायरेक्शन ले रही हैं, मैं उन बच्चियों को वाजह बता दूं, थायरेक्शन लेते हुए आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसके हवाले से शरियार साहब, जब तक आप थायरेक्शन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, फिर दो लेनी पड़ेंगी, फिर चार लेंगे और ये बढ़ती जाएगी और ये नशा होता है और इससे थायराइड आपका रुका रहेगा लेकिन प्रॉपरली इलाज नहीं है मेडिकल में। लेकिन हर्बल में आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका थायराइड अल्लाह पाक के फजलो करम से जड़ से खत्म हो जाएगा। सही हो गया। तो थायराइड के क्या नुकसान क्या है इसके, अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है? अब खवातीन में ज्यादा बीमारी है ना, जी जी, तो उसके क्या नुकसान हैं सर? थायराइड के हवाले से जैसे आपने बोला है कि दो किस्म के थायराइड होते हैं, अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड मौजूद मकदार में थायराइड हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लड़कियां अमूमन ज्यादा शरियार सब जल्दी बालग हो जाती हैं, हैवी पीरियड्स का आना, पीरियड्स का तकलीफ के साथ आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, जो कि बांझपन और मिसकैरेज की वजह बनता है। अब हम आप बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पर। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायरॉयडिज्म ग्लैंड इससे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जितने बॉडी को चाहिए। इस किस्म के थायरॉयड में लड़कियां शरियार सब देर से बालग होती हैं, पीरियड्स या तो आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं और ब्लीडिंग दो दिन से कम होती है। हाइपर की निस्बत हाइपोथायरॉयड लड़कियों में ज्यादा कॉमन होता है और जब लड़कियों को शरियार सब ये प्रॉब्लम आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है फिर जाके डॉक्टर हकीम को अपना जो है वो जाके बताती है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप अपना TSH T3 T4 आप अपना एक टेस्ट करवाएं, उसमें पता चलता है कि कहीं खुदा ना ख्वासा आपको थायराइड का मसला तो नहीं आ गया, कहीं आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जो आगे जाके अल्लाह ना करे कैंसर की अलामत बन रही है, तो अल्लाह पाक के फजल और करम से इसका शरियार सब हर्बल में इसको फौरी तौर पर कवर किया जाता है, उसका एक कामयाब इलाज है। मतलब दोनों ही नुकसानदेह हैं, दोनों ही नुकसानदेह हैं शरियार सब, हाइपो भी थायराइड, हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड दोनों नुकसानदेह और दोनों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपका कहना यह है कि एलोपैथिक इलाज में इसके बस इसको एक रोक दिया जाता है? सर, एलोपैथिक में ऐसा है जैसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो वाजह तौर पे कि शरियार साहब अगर आपको नींद नहीं आ रही, मैं आपको नींद की गोली दूंगा, आप सो जाएंगे, आप कल फिर मांगेंगे, शुगर की दवाई पूरी जिंदगी खानी पड़ती है और जो थायरॉयड की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डॉक्टरों ने वाजह बता दिया गया है कि पूरी जिंदगी आपको खानी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका ये होता है शरियार साहब, इसको शॉर्ट कट के आपको वो चीजें बंद करवा दी जाएंगी जिससे आपके जो गले में बलगम, रेशा, तजाबियत, एसिडिटी और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वाजह बढ़ती जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरियार साहब ये थायराइड पैदा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों की गलत जो रूटीन है, हमारी बहुत ज्यादा गलत रूटीन हो गई है, हम खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं शरियार साहब, खाना खाने के बाद हम फौरी सो जाते हैं, आजकल यंग जनरेशन सुबह का नाश्ता नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आगे आगे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है और मामला आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। थायराइड की बीमारी मैं शरियार साहब एक वाजह बता दूं, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर, ठीक है, दोनों पीरियड्स को अफेक्ट करती है, दोनों किस्म के थायराइड सेक्स हार्मोन्स को मुतासर करते हैं जिससे पीरियड्स के मसाइल आते हैं। थायराइड की दोनों अकसाम जो है शरियार सब पिट्यूटरी हार्मोन जैसा कि प्रोलैक्टिन,
FSH और LH को डिस्टर्ब करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो इंसुलिन की हसासियत को जो है मुतासर करती है। इसके लिए जो है वो 30-40% जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो PCOD की पेशेंट को हाइपोथायरॉयड्स होता है। और इसके अलावा हाइपोथायरॉयड से वजन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि PCOD का सबब बनता है। PCOS पॉलीसिस्टोबी सिंड्रोम आगे जो बच्चियों के साथ 15-20 साल शरार सा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मर्दों के साथ 15-20% जबकि खवातीन के साथ ये 60-70% पे, आज तो 70-80% पे रेशो इसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके बारे में शरार साहब हमने सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक के फजलो करम से आगाही दी है लोगों को, और इसके हवाले से हमने जो नुस्खा बताया है सदका जारिया समझ के, आज भी नुस्खा बताएंगे इस वीडियोज़ के अंदर। और इसको आप घर पर बना सकते हैं, ये जस्ट एक रेमेडी होती है। अगर आपको इससे बेहतरी नहीं आती है तो प्रॉपरली तौर पर आप आके ये दिखा सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपने मौलिक से आप उससे मशवरा कर सकते हैं। आप हमें अपनी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। सर अगर कोई खुदा ना खास्ता इसमें मुब्तला है जी और वो आपके पास आता है तो आपके पास कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो इसको खत्म कर सके? जी शरीयत साहब बहुत अच्छा करा आपने सवाल पूछा। अगर आप हाइपो या हाइपर थायराइड किसी में भी मुब्तला है तो फौरी तौर पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये थायराइड्स की ये दोनों अकसाम औरतों के महाना पीरियड्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है और बेउलादी के मसाइल जो हैं शरियार साहब बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और मेडिकल में इससे जो है वो ड्रग्स के जरिए, जैसे मैंने बोला है कि थायरेक्शन दिया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी हर्बल में इसका मुकम्मल इलाज है जो इससे जो है इसको बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। तो आज मैं नुस्खा जो बताने वाला हूँ आप इसको नोट कर लें। आप लोगों ने सबसे पहले कलवंजी लेनी है 100 ग्राम, अजवाइन लेना है 100 ग्राम, तुखम मूसली आप लोगों ने ले लेना है, ये सफेद मूसली भी ले सकते हैं। तुखम मूसली में बाद लोग कहते हैं कि तुखम मूसली, मूसली के बीज को तुखम कहा जाता है, आप सफेद मूसली ले सकते हैं 50 ग्राम, कचोर ले सकते हैं 25 ग्राम, काला नमक इसमें जरूर ऐड करिएगा हसबे जरूरत, और ज़ाफरान इसमें 20 ग्राम ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को शरियार साहब जैसे हम साफ करके ग्राइंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा, आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ऐसी चीज़ें बंद करें जिससे आपको बलगम पैदा हो रहा है, जैसे चावल का इस्तेमाल कम कर दें, बड़ा गोश्त कम कर दें, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा बच्चे पीते हैं उनके गले बंद हो जाते हैं जिससे वो आगे जाके जो थायराइड जैसे और टॉन्सिल जैसे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से ये नुस्खा आपको जो मैंने बताया इसको आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा, वरना आगे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है आप मशवरा कर सकते हैं, हम उसके हवाले से आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। और अगर आपको इस नुस्खे से बेहतरी आती है आप इसको सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक जरूर शेयर कर दिया करें शरियार साहब, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक ये लाजमी पहुंचना चाहिए। दो तीन चीजें मुझे आपसे और मजीद कन्फर्म करनी है। पहली चीज तो है कि बहुत सारे बाहर की हमारे व्यूअर्स हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके कॉमेंट आते हैं कि चीजें हमारे पास नहीं मिलती हैं। जी तो यहाँ से अगर आप उससे वो मंगवाना चाहें तो आपके पास बना बनाया जी एग्जैक्टली शरियार साहब आपने बहुत अच्छा पूछा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों तक वो उन लोगों को पता नहीं है ना वहां से मिलती हैं, तो उनके लिए शरियार साहब ऑलरेडी हमारा एक नुस्खा जो बना बनाया है। और अच्छा बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट आई है शरियार साहब कि हम जो नुस्खा बनाते हैं इस्तेमाल करते हैं हमें कोई बेहतरी, कोई कहते हैं आ जाती है, कोई नहीं आती है। जिनको नहीं आती है उनको पंसारियों से या तो वो चीजें अच्छी नहीं ले रहे हैं या उनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं। ऑलरेडी उनके लिए हमारा बना बनाया कोर्स जो है हम उनको यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, वो चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हो तो कंट्री में, अल्लाह पाक के फजल करम से यहाँ से शरिया से 5-6 दिन का टाइम होता है यहाँ से डिलीवर करते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी रिपोर्ट चेक करना हमें जरूरी होती है कि आया वो किस नबीयत पे है, तो उसको जो देखिए उसके हवाले से उनको बेहतर रहना भाई क्यों उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो नुस्खा यहाँ से फ्राम कर सकें। एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, जैसे मैं कोई खातून इलाज कर रही हूँ उसके साथ साथ आप पहले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं सर, उसमें ऐसा है शरिया का इंजेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो हमारी दवा के साथ फौरी तौर पर आपको प्रेगनेंसी बंद नहीं करवाई जाएगी, आपको 15 दिन या महीना उसके साथ कंटिन्यू रखना होता है कि जो आप इसको आप खा रहे हैं तो हमारी दवा शरिया का इस चीज़ का प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हमारे पास सब अलहमदिल्ला पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनकी
कंपनी होती जो रिपोर्ट देखे उनके बारे में बेहतर रहनमाई की जाती है और वो समझते हैं इस चीज़ को कि हर्बल में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सही है भाई, मेरे चैनल के ऊपर इनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इन्हीं के दवाखाने के नाम से, और उस पर अलग अलग टॉपिक्स के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। आपको खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, आप उन टॉपिक्स को खोल के वो वीडियो देख सकते हैं और अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।